Hello friend, this is Ashutosh here, and this is second part of the roadmap. So अगर आपने हमारे पहले के वीडियो देखे नहीं होंगे तो प्लीज पहले फर्स्ट आपको वो वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको ये सब चीजें समझ में आएगा. सो आज करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बोर्ड मास में कैसे करते हैं. बहुत इजी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ अच्छा कॉन्सेंट्रेशन करके देखना है. एंड बिफोर दैट यू शुड नो दिस कंसेप्ट. विदाउट दिस कंसेप्ट यू कांट सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड यू कांट कैलकुलेट अ परफेक्ट वन. सो फॉर दैट यू शुड हैव टू डू दैट. सो करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलिए सो देखिए द फर्स्ट माइनस टू मल्टीप्लीकेशन वन प्लस टू डिवाइड, पहले इतना ही कर लेते हैं, ठीक है. सिंपल वाला करते हैं, पहले माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री. अब क्या बोला है मैंने, सिंपल फॉर्म कोई आप ब्रैकेट है क्या, नो डिविजन है क्या, नहीं मल्टीप्लीकेशन है. सो वी शुड सॉल्व फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लीकेशन को मैं अंडरलाइन करूंगा. देखो अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, जब तक हम अंडरलाइन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिकॉज यू आर द बिगिनर. सो यहां वी शुड डू द अंडरलाइन एंड देन यू विल परफेक्ट, देन यू कैन सॉल्व डायरेक्टली. तो स्टार्टिंग सिंपल से करना है, इक्वल टू माइनस टू इंटू वन. अभी माइनस है, कट रहा है किसी के साथ में, माइनस नहीं कट रहा है. तो हमें क्या करना है, देखो सिंपल इसका मैं एक चीज बता देता हूं. माइनस टू इंटू माइनस टू, अगर सपोज ऐसा है तो दो माइनस है, तो ये माइनस किसके साथ मैच हो रहा है, कट पा रहा है, ठीक है. तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ये फोर बन गया. अगर सपोज माइनस टू इंटू सिक्स है, कट रहा है उसकी जोड़ी नहीं बन रही है, तो आंसर माइनस में आएगा, टू सिक्स ट्वेल्व. तो इस तरह से आपको करना है. सपोज माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, ये कट रहा है, पर ये किसके साथ कटेगा, ये नहीं कट रहा है, तो आंसर जो भी आएगा माइनस में, टू टू जा फोर होता है, फोर टू जा एट होता है, तो एट है. इस तरह से आपको करना है, रफ प्रैक्टिस भी करना है जब तक हम परफेक्ट नहीं बनते. सो यू शुड द रफ प्रॉब्लम. चलो करते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, ये बहुत इजी है. तो देखिए मैंने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. माइनस टू इंटू वन कितना होता है, टू वन इज टू, मीन्स टू होता है. मैंने बोला माइनस आएगा क्योंकि इसकी जोड़ी नहीं है इसके साथ. अंडरलाइन देखना, जितना हमने अंडरलाइन किया उतना देखना है, सामने नहीं देखना है. ये प्लस वगैरह हमें कुछ देखना नहीं, डिफरेंट मैटर है, सिर्फ हमें मल्टीप्लिकेशन तक यहाँ तक देखना है, ठीक है. तो मैंने अंडरलाइन किया, टू और इस टू होता है टू लिख दिया, एक ही माइनस हो रहा है तो माइनस लिख दिया. अब बाकी की चीज लिख दीजिए यहाँ पे प्लस पे, ठीक है. सिंपल फॉर्म बन गया हमारा माइनस प्लस, फिर से वही कंडीशन आ गई, माइनस प्लस माइनस होता है, थ्री में से टू गया भाई वन बचा. थ्री जो है पॉजिटिव, थ्री है बिगर नंबर है, बिगर नंबर का साइन पॉजिटिव है. इफ यू वांट टू गिव अ साइन यू कैन गिव, अदरवाइज दैट्स योर मैटर, ओके. तो ये देना है दे सकते हो, नहीं देना तो नहीं दे सकते हो, ठीक है. जनरल नहीं देते लोग, देना है तो दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो देखो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट लेते हैं. टू इंटू माइनस एट प्लस फोर माइनस थ्री, ठीक. बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, सिर्फ हमें अंडरलाइन के थ्रू जाना है. तो ब्रैकेट है क्या, नहीं है. डिविजन है क्या, नहीं है. मल्टीप्लीकेशन है, तो वी शुड डू फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन. तो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको, देखो तो अभी क्या आ रहा है, माइनस माइनस आ रहा है, दो माइनस कट रहे हैं, तो हमारा आंसर माइनस नहीं है, इसमें एक ही माइनस था, ठीक है. टू एट जा सिक्सटीन, बाकी का जैसे भी वैसा लिख लेते हैं, ठीक है. तो सिंपल फॉर्म बन गया है, 16 प्लस फोर दैट इज 20 माइनस थ्री. सिंपल फॉर्म ये बन गया है, 20 माइनस थ्री कितना होता है, 17 होता है. इतना इजी था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इतना कॉम्प्लिकेटेड था, हमने सॉल्व कर लिए, बहुत ज्यादा इजी हार्ड बिल्कुल नहीं. लिखना था तो आप लिख लीजिए, टेक स्क्रीन शॉट एंड देन हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो आइए थर्ड प्रॉब्लम करते हैं, थर्ड प्रॉब्लम करते हैं. देखिए ब्रैकेट लेता हूं मैं, माइनस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इन थ्री डिवाइड बाई थ्री
प्लस वन, सिंपल लिया है, हार्ड नहीं। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी दिखाई दे रहा है, डिवीजन भी दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट भी दिखाई दे रहा है, एडिशन दे रहा है, ओनली वी आर मिसिंग टू द सब्ट्रैक्शन। तो अभी कंडीशन है कि अभी आप पहले देखो डिवीजन है बट मल्टीप्लिकेशन हम देखना नहीं है, हमें क्या देखना है कि भाई ब्रैकेट है क्या, पहले ब्रैकेट में कोई भी हो, मल्टीप्लिकेशन हो, प्लस हो, माइनस हो, कुछ भी हो, तो हमें पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट में क्या है दिया है, इक्वल टू जो भी आपका आंसर आता आपको ब्रैकेट में ही लिखना है। तो एक ही माइनस है तो लिखिए टू टू थ्री सा सिक्स होता है, एक ही माइनस है सिक्स दे दिया, माइनस सिक्स दे दिया, ब्रैकेट कंप्लीट। प्लस थ्री डिवाइड बाई थ्री, मैं डायरेक्टली कर सकता था, मैं बिगिनर है, मैं बिगिनर हूं आपके साथ में, तो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम ब्रैकेट को बाहर निकाल लेते हैं, सामने कोई है नहीं तो हम डायरेक्टली माइनस सिक्स लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये जो है ये टर्म डिवाइड करना है, ये तो बाहर निकाल है, डिवाइड थ्री डिवाइड बाई थ्री, थ्री डिवाइड बाई कोई बच्चे सिक्स लिख लेते हैं, ऐसा करके देखना है, थ्री वन इज थ्री, जो भी ऊपर वैल्यू आती है वो हमें यहाँ पे लिखना है, वन तो प्लस प्लस लिखा कोई हमें प्रॉब्लम रहेगा, तो ऐसा करके देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो, ठीक है। इसको प्लस वन, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अभी सिंपल फॉर्म हम पहले करते, अगर आपको ये करना है तो ये भी कर सकते हो, अगर आपको ये करना है तो ये भी कर सकते हो, पर मेरी राय में लोगे सिंपल सिंपल वाला ही ज्यादा पहले रेफरेंस प्रिफर करना है। तो सॉरी प्लस वन माइनस सिक्स एज इट इज, प्लस प्लस देखो फॉर्म बन गया, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है प्लस वन दैट इज टू होता है, माइनस सिक्स प्लस टू, माइनस प्लस, माइनस प्लस हमें पता है माइनस होता है, तो सिक्स में से टू गया फोर बचता है, और साइन जो है क्या देना पड़ता है, बड़ी नंबर की बड़ा नंबर सिक्स से इधर, और साइन के साथ माइनस, इतना सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। सो नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बहुत इजी है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी थोड़ा आप डिफरेंट देखिए, फोर्थ माइनस थ्री इंटू वन डिवाइड बाय वन माइनस टू माइनस थ्री प्लस वन, ठीक है, बहुत इजी अभी लग रहा है, तो अभी क्या दे दिया, इतना खतरनाक प्रॉब्लम दे दिया लग रहा है, खतरनाक बिल्कुल नहीं, खतरनाक कुछ भी चीज नहीं होती है, इजी होता है, हमारे घर बेसिकल से क्लियर है। देखिए इसको करते हैं सॉल्व, सिंपल सिंपल है, पहले हम करेंगे अपने से ब्रैकेट में, फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड ब्रैकेट है या नहीं, नहीं ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या है, डिवीजन है, तो हमें डिवीजन ही करना पड़ेगा, दूसरे कोई चीज हम नहीं करना, हमें नहीं करना, तो डिवीजन कहां से, यहां से आते हैं। अब आप बोलोगे सर ने आपने ये क्यों लिया, ये डिफरेंट मैटर है, यहाँ पे प्लस और माइनस का खेल देंगे, मल्टीप्लिकेशन है, हमें वो नहीं लेना है, तो हमको सबको पता है वन डिवाइड बाई वन कितना होता है, वन ही होता है, माइनस टू माइनस थ्री प्लस वन, अभी हमें कौन सा करना पड़ेगा, यस बॉस डिविजन है क्या, नहीं है ब्रैकेट है क्या, नहीं है मल्टीप्लिकेशन है क्या, है, हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में माइनस एक ही बार आता है, तो एक ही बार है, तो थ्री वन इज थ्री दैट इज थ्री, बाकी का जैसे भी वैसा, अंडरलाइन के बाहर वाला हमें जैसे वैसा लिखा है, ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट, देखिए ये वाला करना है पहले, प्लस भी आ रहा है, ये भी कर सकते हो तो भी आपका आंसर राइट है, पर फिर भी हमें हम स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, ठीक है, बाय द रूल प्लस आ रहा है ये वाला करिए, पर ऐसा नहीं करना है, कोई कोई बच्चे ऐसा कर लेते हैं थ्री प्लस वन को वन कर लेते, ऐसा नहीं करना, इसको पूरा लेना है, ठीक है। माइनस थ्री माइनस टू इतना लिख लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस होता है, थ्री में से वन गया डेट इज टू, और टू टू डेट इज टू बड़ा साइन है थ्री, थ्री को साइन कौन सी है, बड़ा नंबर थ्री है, थ्री को साइन है माइनस, तो माइनस टू, तो सब माइनस माइनस आगे वन बाय वन करेंगे, इसको करेंगे पहले, इसका क्या नंबर आएगा माइनस माइनस, बहुत देर बाद आया ये नंबर, माइनस माइनस का क्या होता है प्लस, दोनों डिजिट का प्लस करना है, दोनों डिजिट का प्लस करके थ्री प्लस टू डेट इज फाइव होता है, और शांति से माइनस साइन दे देता है, फिर रिमेनिंग नंबर माइनस टू, तो माइनस फाइव माइनस टू कितना होता है, फाइव प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन में माइनस होता है, प्लस करेंगे दोनों डिजिट का सेवन होता है,
सेवन होता है और साइन देना है माइनस। इतना सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल था, हार्ड नहीं होता है कोई भी चीज, हमें बेसिक तरह से क्लियर हो जाए तो आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम इजी हो जाएगा आपके। सो अंडरलाइन प्रोसेस करनी है आपको फर्स्ट पे। सो देखिए ऐसा करना है और अंडरस्टैंडिंग करना अच्छे से रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए वीडियो। अगर आपको कुछ फिर से देखना है तो आप 10 बार देख सकते हो, 10 बार समझ सकते हो, 10 बार करना है, अलग टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हमारे बुक्स में मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक्स में बोर्ड मास्टर प्रॉब्लम मिलते हैं तो आपको उससे भी सॉल्व करके देखना है। खुद इक्वेशन बनाइए, खुद कुछ भी नंबर लिख लीजिए, इक्वेशन बनाइए या फिर सॉरी प्रॉब्लम बनाइए और खुद सॉल्व करके देखिए। तो इससे हमारे प्रैक्टिस होंगे, जितना प्रैक्टिस होंगे उतना परफेक्ट बनाओगे। सो इसको अगर लिखना चाहते लिख लीजिए। सो नेक्स्ट आज के वीडियो में इतना ही, बाकी की चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाना है कि बच्चों को इंटरेस्ट है और आपको भी इंटरेस्ट है देखने में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बिकॉज अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो हम जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमारे व्यूअर होंगे फर्स्ट। सो प्लीज शेयर आवर चैनल इफ यू रियली मतलब आपको सच में लगता है बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही अच्छा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम।